आज मैं जिस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है अधूरी सत्यवती देवी की कविता मिरर्ड विंग्ड बर्ड। अधूरी सत्यवती देवी एक तेलुगु कवित्री हैं जिन्होंने कविताओं के दो संग्रह लिखे हैं और बहुत से कविता मुकाबलों में उन्होंने इनाम भी हासिल किए हैं। मिरर्ड विंग्ड बर्ड ओरिजिनली तेलुगु में लिखी गई कविता है। इस कविता में कवित्री ने अपने क्रिएटिव फ्लो के बारे में बात की है कि उसका लेखन का एक्सपीरियंस कैसा है। उसके लिए शब्द एक बहुत से रंगों के पंखों वाला एक पंछी है जो उड़कर उसके पास आ जाता है जब भी उसे ज़रूरत होती है। कवित्री ने क्रिएटिव इमेजरी का इस्तेमाल किया है और इसका टाइटल भी बड़ा क्रिएटिव है जो है मिरर्ड विंग्ड बर्ड, यानी कि बहुत से रंगों के पंखों वाला पंछी। तो आइए अब करते हैं इस पोएम की स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड इज अ चाइल्ड्स प्ले, अ डव दैट क्रीप्स इनटू मी व्हेन आई एम कॉट इन द मिडस्ट ऑफ द अल्फाबेट दैट जेंटली रिवॉल्व्स राउंड माय हेड। इस कविता में कवित्री ने ये बताने की कोशिश की है कि जब भी उसे लगता है कि शब्द उसके जहन में नहीं आ रहे हैं तो वो किस किस तरीके से उसके जहन में आते हैं। उन तरीकों के बारे में इस कविता में जिक्र किया गया है। कविता की इन शुरुआती लाइंस में कवित्री कहती है कि शब्द मेरे लिए ऐसे हैं जैसे कोई बच्चों का खेल हो। शब्द उसके पास ऐसे आते हैं जैसे कोई सफेद कबूतर नुमा पंछी उसके अंदर आके समा गया हो। और ऐसा तब होता है जब वो कुछ शब्दों में उलझ के रह गई हो और वो उसके माइंड में घूम रहे हों। उसके कहने का मतलब ये है कि जब भी वो किसी उलझन में होती है तो शब्द उसके पास ऐसे आ जाते हैं जैसे एक पंछी उड़ के आ गया हो और वो अपनी कविता लिख लेती है। रोलिंग इन द क्रेडल ऑफ फेरी टेल्स एज आई रीच आउट फॉर रैबिट लाइक मून ईयर्स एंड क्रॉसिंग एज यूजुअल cloud treasures while I enter into starry tents, world becomes a lullaby. इन लाइनों में कवित्री इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि जब वो परियों की कहानी में एक झूले में झूल रही होती है और आसमान में चांद के खरगोश नुमा कानों तक पहुंचती है जहां वो बादलों के खजाने में से होकर गुजरती है और जब वो तारों से भरे हुए आसमान जिसे उसने टेंट बताया है उसमें प्रवेश करती है तो शब्द उसके पास ऐसे आते हैं जैसे कोई लोरी हो। वाइल स्लीपिंग ओवर ड्रीमलैंड्स ऑफ वेलवेट फ्लॉरी फ्रेग्रेंस ऑफ सिल्कन यूथ वर्ड अप्रोचेज मी लाइक अ सॉन्ग इन अ सीजन ऑफ वाइल्ड ब्लूम्स। वो इन लाइनों में कहती है कि जब नींद में उसके सपनों में उसके जवानी के दिन उसे याद आते हैं और जवानी के दिनों की खुशबूदार मखमली महक उसे महका जाती है तो शब्द उसके पास ऐसे आते हैं जैसे कोई गीत हो, एक बहार के दिनों का गीत। When I bid farewell to dreams in song, subsuming myself in lonely journeys and relentless fires, Word reassures me, offering me mother's breast milk. वो आगे कहती है कि जब वो गीत में अपने सपनों को अलविदा कह देती है और खुद को अकेला पाती है एक यात्रा पे जो असीम मुश्किलों से भरा है तो इस समय शब्द उसे दोबारा आश्वस्त करते हैं जिस तरह माँ का दूध एक बच्चे को आश्वस्त या शांत कर देता है। When I consume time timidly, circling round like a spider and facing humiliations like a caterpillar that has lost its way, world becomes a school in itself. इन लाइनों में कवित्री कहती है कि जब मैं बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर रही होती हूँ किसी चीज़ को लिखने में और एक मकड़ी की तरह एक ही जगह बार बार घूम रही होती हूँ और एक रेंगने वाले कीड़े की तरह निराश हो रही होती हूँ जो अपना रास्ता भूल चुका है तो शब्द अपने आप में ही एक पाठशाला बन जाते हैं, यानी कि इस हालात में शब्द उसे बहुत कुछ सिखा जाते हैं। When I join Nightingale Club smelling poetry
and enter the pages of human history from the fret of life. World cleanses me like a waterfall in a magnetic field of moonlight. इन लाइनों में कवित्री कहती है कि जब वो अपने जैसे और कवि साथियों के साथ किसी महफिल में होती है और दूसरों की रचनाओं को सुन रही होती है, उनका आनंद ले रही होती है, उन कवियों को सुनकर जब उसे ये पता चलता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है और जब उन कवियों के अपने अनुभवों से उसे इंसान और इंसानियत के एहसासों के बारे में पता चलता है, तो वो कहती है कि शब्द उसके जहन में ऐसे आते हैं जैसे खूबसूरत चांद की रोशनी में कोई झरना बह रहा हो जो उसके तन और मन को धो रहा हो। वर्ड इज ए थॉट बॉक्स, ए म्यूजिक ट्रेजर ऑन माय जेंटल लविंग पाम एज आई फ्लोर टुवर्ड्स डिस्टेंट मेलोडीज ऑफ न्यू होराइजंस। ये कविता की आखिरी लाइंस हैं और इन स्टार्टिंग लाइंस में कवित्री कहती है कि शब्द उसकी जुबान है, शब्द उसके लिए खजाना है और जैसे जैसे वो गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई नए नए मुकामों की ओर बढ़ती जाती है, शब्द उसके पास बड़े प्यार से आकर उसकी हथेली पर बैठ जाते हैं।